से जब पावन बन जाओगे तो ये नॉलेज नहीं रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगा, तो ये नॉलेज का क्या क्या होता है आत्मा में? क्या सब एक साथ थोड़े ही पावन बन जाएंगे? एक सेकेंड में सब पावन बन जाएंगे कि नंबरवार पावन बनेंगे? तो जो पावन बन जाएंगे उनकी बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाएगा, क्योंकि पावन बनेंगे तो आत्मा नीचे रहेगी कि पावन धन में रहेगी? कहाँ रहेगी? ऊंची स्टेज में रहेगी आत्मा, नीची पतित दुनिया में थोड़ी रहेगी। तो जो परम धाम वासी हो गए वहां संकल्प चलेंगे? चलेंगे? वहां तो संकल्पों की दरकार ही नहीं। संकल्प नहीं चलेंगे तो ज्ञान भी नहीं चलेगा। संपन्न स्टेज बन गई, आत्मिक स्टेज बन गई। देवताओं की आत्मिक स्टेज होती है ना, तो उनमें ज्ञान होता है क्या? ज्ञान का सारा तंत्र तो आत्मिक स्टेज में, फिर ज्ञान का क्या होगा? और अब ये आत्मिक स्टेज ही निसंकल्प स्टेज है। हाँ जी, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित होते हैं तो कहेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं बनी है, कुछ न कुछ कमी है, अज्ञानी है, इसलिए आत्मिक स्मृति से जैसे तराजू हिलता डुलता है ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, रावण के प्रभाव में है, अभी राम राज्य में नहीं है। जब हम राम राज्य में जावेंगे तो हमारी आत्मिक स्टेज स्थिरियम हो जाएगी। निसंकल्प स्टेज की कर्माधीन स्टेज, निसंकल्प स्टेज जब, संकल्प तो बीज है, बीज ही खत्म हो गया तो दुनिया भी खत्म हो गई। अभी संगम युग में बीज पड़ रहा है क्या नई दुनिया का? जितना जितना हम आत्मिक स्टेज में रहते हैं उतना उतना हमारी नई दुनिया की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, और जितना जितना हम देवान में रहते हैं उतना रावण की दुनिया की शूटिंग हो रही है। और ये मन बुद्धि भी आत्मा के ऑर्गन्स है बोले आज के मुझे, ठीक है, आत्मा की शक्तियां हैं। जैसे शिव बाबा की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये बड़े से बड़ी शक्तियां हैं, बड़े से बड़े देवताएं हैं। तो हर आत्मा की भी तीन शक्तियां हैं, हर आत्मा दिव्य गुणों की स्थापना करती है। तो ब्रह्मा है, फिर जो दिव्य गुण धारण किए हैं उनकी पालना करती है तो विष्णु है, लेकिन विष्णु बाद में बनती है, क्योंकि जो दिव्य गुण स्थापन होते हैं उनकी वैल्यू तब तक है जब दिव्य गुण के साथ दुष्ट गुण है वो दिखाई ही न दे। अगर दिव्य गुणों के साथ साथ जो दुष्ट गुण हैं, दोष दुष्टों के, वो भी दिखाई पड़ जाते हैं तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विष्णु द्वारा पालना नहीं बोलना चाहिए। विष्णु द्वारा पालना कब होगी? जब शंकर द्वारा दुष्टता का विनाश हो जाए, फिर जो सद्गुण रह जाएंगे उनकी पालना विष्णु के द्वारा होगी। में बोला जब रात शुरू होती है तो पहले पहले मंदिर बनाते हैं, इसका बैठक का अर्थ क्या? ये पूछा पूछा, अज्ञान की रात जब शुरू होती है तो मंदिर बनाते हैं। मन
दर, दर माने दरवाजा, क्या तेरा मन दर्पण कहलाए, ये दरवाजा है, मन ही दरवाजा है। तो भगवान बाप आया हुआ है, तो बाप के आने से हमारे मन के अंदर ज्ञान चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मनन चिंतन मंथन सदैव चालू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? लेकिन घरग्रस्त के झंझट में रहते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो जो मन में मंथन चलना चाहिए ईश्वरीय ज्ञान का, वो टूट जाता है, बार बार टूटता है। तो फिर मंदिर बनाते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जाएंगे तो मन स्थिरियम तो होगा। तो यहाँ शूटिंग भी होती है, क्या क्या शूटिंग होती है? हैं, पहले एडवांस पार्टी में ये ढेर के ढेर मिनी मधुवन थे क्या? थे नहीं थे? अब और क्यों बनते जा रहे हैं? हैं, क्योंकि मन कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। यहाँ तक के जो गीता पाठशालाएं चल रही थी मोहल्ले मोहल्ले में, उन गीता पाठशालाओं में जाने वालों की संख्या भी खत्म हो रही है। पहले ढेर के ढेर जाते थे और अब 5 पांडव भी मुश्किल से मिलते हैं। सप्ताह सप्ताह में एक बार संगठन करते हैं, तो क्रिश्चियन और मुसलमान क्या करते हैं? हैं? वो भी मुसलमान जाएंगे जुम्मा जुम्मा, शुक्रवार शुक्रवार जाएंगे मस्जिद में, और क्रिश्चियंस संडे संडे 7 दिन में एक बार जाएंगे। तो पहले गीता पाठशालाओं में जाने वालों की संख्या ज्यादा थी, माने हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, फिर वो सब कन्वर्ट हो गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई क्या बन गए, फिर भी मन कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर नदियों में स्नान करते हैं भक्ति मार्ग में। ये मेले मलाखड़े कब से शुरू होते हैं? जब से नदियों में स्नान शुरू होता है तब से मेले मलाखड़े होते हैं। अभी शूटिंग चल रही है भक्ति मार्ग की या खत्म हो गई है? है? चल रही है। अवस्थाएं नीचे गिर रही हैं या ऊपर उठ रही हैं? हाँ, ये जरूर है, सबकी एक जैसी अवस्था नीचे नहीं गिर रही है। कोई तो ऐसे हैं जो अपन को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, कोई ऐसे हैं जिन्होंने खुला छोड़ दिया। तो ये मंदिरों की संख्या बीके में जैसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एडवांस में भी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। क्या बोला मुरली में? तुम्हारे सेंटर से लाखों की तादाद में हो जावेंगे। जितनी जास्ती संख्या बढ़ेगी, जितना जास्ती वृक्ष का फैलाव होगा, तो भक्ति मार्ग बढ़ेगा या घटेगा? है, बढ़ेगा। फिर बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वृक्ष जब संपूर्ण हो जाता है तो उसमें से पहला फूल निकलता है।
वो पहला फूल फल बन जाता है। फल बनने के बाद जब पकता है तो उसके अंदर बीज फल से अलग हो जाता है, वृक्ष से अलग हो जाता है, निराकारी स्टेज वाला बन जाता है पहला फल। इसलिए जो खेती करने वाले हैं, बाग लगाने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि वृक्ष का जो पहला फल होता है या सब्जियों का जो पहला फल होता है, उस फल से ही नई खेती शुरू करते हैं। ये परंपरा शिव बाबा ने डाली। बीज जब सारे वृक्ष से कनेक्शन तोड़ देता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, सदा के लिए या अल्पकाल के लिए? सदा के लिए जब बन जाता है तब नया वृक्ष तैयार होता है। इसलिए मुरली में बोला कि तुम बच्चे जब अव्यक्त स्टेज धारण करेंगे, तुम्हारी जब अव्यक्त स्टेज बनेगी तब तुम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तुम एक एक बच्चे में एक एक दुनिया समाई हुई है। क्या तुम्हारी दुनिया भी तब प्रत्यक्ष होगी जब तुम अव्यक्त बनेंगे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे और नंबर वार बनेंगे। एक जैसे टाइम पर नहीं बन जाएंगे। और सच्ची सेवा भी तो तभी चालू होगा ना बाबा। सच्ची सेवा भी तभी तो एक होती है कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ की सेवा। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो कर्मेंद्रियों से जास्ती सूक्ष्म है वाचा। वाचा की सेवा भी चली, मेले मलाखड़े आदि कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की भी सेवा चली। क्या दुनिया को संदेश मिल गया? सारी दुनिया के कान में आवाज पहुंच गई कि गॉडफादर आ गया? नहीं। सबसे तीखी सेवा तब होगी जो अव्यक्त वाणी में बोला कि जो देखे, क्या इन स्थूल आंखों से जो देखे और जो उसको सुने उसके मुंह से अनायास निकल चुके निकले कि हमारा बाप आ गया। ऐसी स्टेज बननी है बच्चों की। तो तुम एक एक बच्चे में एक एक दुनिया समाई हुई है, तो उस दुनिया के बीज भी कौन होंगे? बच्चे ही होंगे। और वो नंबर वार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबर वार। टाइम पे पैदा होते हैं तो बच्चे नंबर वार बन जाते हैं। और बाबा आदि का अर्थ क्या है? आदि 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 आगे नहीं आदि आदि अति के बाद अंत। अति के बाद अंत। अति माने बहुत बढ़ जाए। जैसे पाप करते हैं तो पाप बहुत बढ़ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाप होने लगे, अति हो जाए।
थोड़ा नहीं, इतना आती हो जाए कि चारों ओर पाप ही पाप दिखाई पड़े, पुण्य कहीं दिखाई ही न पड़े। ऐसी अति जब होती है तो उसका अंत हो जाता है। कोई भी चीज हो दुनिया में, अति होगी तो अंत हो जाएगा। ऐसा बोला है मुरली में कि आबू से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लग जाएगी, वो लाइन टूटेगी ही नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में अभी तिरुपति में दो रास्ते बनाने पड़े, एक जाने का और एक आने का, और लगातार गाड़ियां जा रही हैं, लगातार आ रही है। ये तो भक्ति मार्ग की अति होने वाली है। ऐसे ही माउंट आबू में क्या होगा, लाइन लग जाएगी, वो लाइन रात दिन टूटेगी ही नहीं। तो उसे महामधुबन कहेंगे या मिनी मधुबन कहेंगे? महामधुबन हो गया। महामधुबन महादेव बनावेगा या हम लोग बनाएंगे? परमानेंट बाप जब जाके बैठ जाए तो महामधुबन बन जाएगा। और लास्ट आत्मा परम धाम से उदकती है, उदकने पर फर्स्ट आत्मा परम धाम चढ़ती है, उस समय बाकी सब आत्माओं की अवस्था क्या होगी? वो सूक्ष्म स्थिति में माता जी पूछ रहे हैं, मुरली में कहा है, कहे हैं कि सबसे लास्ट आत्मा जब परम धाम से उतर आएगी, उतर आएगी नहीं, जिस सेकंड वो आत्मा लास्ट ऊपर से उतरती है उसी सेकंड नई आत्मा पहली आत्मा ऊपर चढ़ती है। परमधाम खाली नहीं होता। जिस सेकंड में एक आत्मा उतरी, लास्ट लास्ट आत्मा, उसी सेकंड में फर्स्ट आत्मा पहुंच जाएगी, खाली नहीं होगा। बाकी सब आत्माओं में काम, बाकी सब एक के पीछे एक आती रहेंगी। यहाँ के आत्माएं अभी पहला आत्मा ऊपर चले गया, लास्ट आत्मा आ गई, तो बाकी जो आत्माएं यहाँ है उनका क्या हाल होगा? सब पीछे पीछे जाएंगी, जाती हैं सब इकट्ठी, इकट्ठी जाने पर भी नंबर वार जाती हैं। ऐसे नहीं उनके नंबर नहीं होते हैं, जाती हैं इकट्ठी और फिर आती हैं धीरे धीरे धीरे। आदि में नई दुनिया में धीरे धीरे आना शुरू होगा, फिर आने वालों की स्पीड बढ़ती जाएगी। सत्युग के अंत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, फिर त्रेता के अंत में बहुत स्पीड बढ़ जाएगी, द्वापर के आदि में और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, द्वापर के अंत में और ज़्यादा स्पीड होगी। अभी कलयुग के अंत में बहुत जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ रही है, दुनिया की जनसंख्या स्पीड ही बढ़ रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, हर वर्ष काउंटिंग करते हैं और हर वर्ष जनसंख्या उनके दिमाग से जितना आता नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाबा, ये जो पहला आत्मा जो ऊपर जाएगी वो शिव बाप जाएगा ना? शिव बाप कभी अकेला नहीं जाता है, साथ लेके जाता है। आया था तब अकेला आया था क्या? नहीं। बच्चों के साथ ही आया था, तो जाएगा तब भी
साथ ही जाएगा, फिर नंबर वार पीछे पीछे ढेर सारे जाएंगे। और कीड़े मकोड़ों का क्या पार्ट होता है दीपावली में? दीपावली में सवेरे को देखो तो चारों तरफ पतंगे पड़े हुए मरे। कब आए? रात में ही आए, रात में ही खत्म। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले अच्छे, या थोड़ा सा पार्ट बजाया फिर बैठे जाके वो अच्छे? ऑलराउंड पार्टधारी अच्छे। रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के मन में रमण करता रहता है वो ही राम है। कृष्ण जो योगी आत्माओं को क्रश आकृष्ट करता है वो ही कृष्ण है। उन्होंने उस कृष्ण का नाम डाल दिया जो सत्युग के आदि में पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेता है, संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जन्म लेता है, उसका नाम कृष्ण डाल दिया। अगर वो ही कृष्ण होता, सब आत्माओं को आकृष्ट करने वाला, तो ब्रह्मा की पूजा होना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा के मंदिर बनने चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा की मूर्तियां बनना चाहिए कि नहीं? भक्ति मार्ग में बनती हैं? हैं? क्यों नहीं बनती? क्योंकि झूठा काम करेंगे तो झूठा ही फल मिलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती, कोई मंदिर नहीं बनते, कोई मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। लेकिन बाबा सतयुग में वो नहीं नंबर वन है, सतयुग में उसको से अच्छा अपन नंबर वन बनते हैं कृष्ण के बात करो। नंबर वन पत्ता है या बीज है या फल है? पत्ते तो 500 करोड़ हैं और उसका नाम ही है फर्राइडे। जैसे फर्रुखाबाद, बाद में सारी दुनिया को फर से खा लेता है तो फर्रुखाबाद, ऐसे ही जो इस्लामी है फर्राए। जब स्वर्ग की दुनिया खत्म होती है तो नरक की दुनिया में फर से आ जाते हैं, ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो उस यादगार में वो फ्राइडे को ही बहुत अच्छा मानते हैं। और संडे को भी विशेष लोग तो संडे ज्यादा, संडे का क्योंकि वो क्राइस्ट को गॉडफादर का सन समझते हैं। क्या एक क्राइस्ट ही गॉडफादर का सन है? गॉडफादर तो निराकार है, उसका अगर कोई पहला पहला सन है तो कौन है? क्राइस्ट है, इसलिए उसकी यादगार में संडे मनाते हैं। और यज्ञों को वेद धारण करने पर ब्राह्मण को, हाँ हाँ हाँ, यज्ञोपवीत में नाम रख दिया यज्ञ उप वीत। कैसा यज्ञ? जहां उप माने ऊपर, वीत माने बिताए, जहां आत्मा ऊंची स्टेज में रह करके यज्ञ करती है। ऊंची स्टेज कब बनती है? जब तीन सूत्र धारण करते हैं। सूत्र माने ज्ञान सूत्र,
ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र, ये तीनों ज्ञान सूत्र जो धारण करे, तीनों के बारे में पक्की पक्की जिसको जानकारी हो, तीनों के बारे में पूरी दिनचर्या मालूम होनी चाहिए, पूरी बायोग्राफी जिसको मालूम हो, वो ही यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण है। जब यज्ञोपवीत पहनते हैं तो द्विजन्मा ब्राह्मण कहा जाता है। शरीर का जन्म है एक जन्म, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर यज्ञोपवीत करते हैं, तीन सूत्र धारण करा देते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? देश के में आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ये ज्ञान मिला तो फर्स्ट जन्म, फिर एडवांस में आए तो ज्ञान मिला, ब्रह्मा का पार्टधारी कौन जो नई दुनिया की स्थापना करता है, शंकर का पार्टधारी कौन जो पुरानी दुनिया पुराने धर्मों का संहार करता है, और विष्णु का पार्टधारी कौन जो नई दुनिया के भांतियों की पालना करता है। इन तीन देवताओं को पूर्ण रूप से पहचानने वाला ही पक्का यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण है। अगर नहीं जानता तो ब्राह्मण नहीं। इसलिए ये पहचान देने के लिए एडवांस में 9 दिन की भट्टी कराई जाती है। भट्टी कराना माना 9 महीने गर्भ में रहना। 9 महीने आत्मा गर्भ में रहने के बाद फिर जब बाहर आती है तो 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, उसको कहेंगे ब्राह्मण। अगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं है कि ये तिरंगा झंडा किसकी यादगार में उठाया जाता है, जो कपड़े का तिरंगा झंडा है 3 रंग वाला, वो कौन कौन से 3 वस्त्र हैं जिनकी यादगार में हम कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा? क्या कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की, या शरीर रूपी वस्त्रों में विजय विश्व विजय की? कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र धारण करने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने विश्व विजय की, या जड़ कपड़े हैं जो झंडे में लगाए जाते हैं उन्होंने विश्व विजय की? नहीं, जरूर कोई आत्माएं हैं 3, उनकी बायोग्राफी को जानने वाला वो ही पक्का ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण लोग योजन जाते समय यज्ञों को भी कान में बांध। हाँ, यज्ञोपवीत का मतलब है 3 ज्ञान के जो सूत्र हैं, जो सूत्र एक ब्रह्म फांस से बंधे हुए हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उससे बंधे हुए हैं। तीनों का ज्ञान ब्रह्म फांस में बंधा हुआ है। उस यज्ञोपवीत को कान में लपेटते हैं, अर्थात कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? आंख है तो देखेगी या नहीं देखेगी? नाक है तो श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। जिभ्या है तो स्वाद लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। कोई भी कर्म इंद्रियां हैं, चाहे श्रेष्ठ हैं चाहे भ्रष्ट हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करना है या नहीं करना है? कर्म तो करना है, लेकिन जो यज्ञोपवीत है, जो शिव बाबा के 3 ज्ञान के सूत्र हैं, उनको कान में लपेटना है, अर्थात श्रवण करना है। क्या? हाँ, अगर कान में लपेटा नहीं,
श्रवण नहीं किया और कर्मेंद्रियों से उल्टा काम कर लिया या करते रहे तो ब्राह्मण तो है ही नहीं। क्या फिर कानों पे असर पड़ जाएगा, माया कान से पकड़ेगी। इसलिए कानों को सुरक्षित करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, यज्ञोपवीत को कान से लपेटते और देखो मामला ने दृष्टि देते समय उसमें शिव बाबा प्रवेश कर देते क्या? मम्मा कन्या थी या शादीशुदा थी? हैं? तो कन्या में शिव बाबा आते हैं। मुरली में बोला, मुरली में तो बोला मैं कन्या के तन में थोड़े ही आऊंगा। कन्या तो पवित्र होती है, सन्यासियों से भी जास्ती पवित्र होती है। जास्ती पवित्र होती है तब तो सन्यासी कन्या के पांव छूते हैं, तो कन्या के तन में थोड़े ही आऊंगा, मैं तो पतित तन में आता हूँ, न गुलजार दादी के तन में आता हूँ और न ओम राधे सरस्वती के तन में आता हूँ। मम्मा क्लास कंट्रोल करती थी, ये नहीं कहेंगे कि मम्मा दृष्टि देती थी। मम्मा तो चेकिंग करती थी, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है। और उनको तो रजिस्टर्ड पोस्ट से लिख के भेज दिया कि मुरली में बाबा ने कहा है कि शिव बाबा बच्चों को दृष्टि देते हैं, दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये शिव बाबा का काम है, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। उनको स्पष्ट लिख के भेज दिया मुरली में, कोई में ये डायरेक्शन नहीं है कि तुम बच्चे संदली पर बैठ करके दृष्टि का संग का रंग लो और दो, इंद्रियों का संग लो और इंद्रियों का संग दो। ये भी इंद्रिय है, कामेंद्रिय भी इंद्रिय है, कामेंद्रिय के संग से कामेंद्रिय और कामेंद्रियों के संग से पतित बनते हैं या पावन बनते हैं, तो ये इंद्रिय नहीं है। इसके लिए तो खास मुरली में बोला है आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज है, तो सबसे ज्यादा पतन काय से होता है, आंखों से ही होता है। इस्लामी जब आए ऊपर से परमधाम से तो सबसे ज्यादा उन्होंने पतन किसे है? अंग से फैलाया, आंख से ही सबसे जास्ती पतन फैलाया भारतवर्ष में, ढेर के ढेर हिंदू कन्वर्ट करके इस्लामी बना दिए। और बाबा केरला में सबसे बेटी नदी है भारत नदी। हाँ, ठीक है। भा माने ज्ञान, औरत माने रहने वाली, जो सदैव ज्ञान में ही रत रहे, लगी रहे, वही भारत नदी पड़ गई। और लेकिन अभी उसमें पानी नहीं है। वो भारत माता जिसमें अब पानी ही नहीं है, वो कन्याकुमारी जो एकदम भारत के दक्षिण में पहुंच गई, नीचे उतरते उतरते, वो कन्याकुमारी दृष्टि से लेना और दृष्टि का देना कर रही है कि नहीं कर रही है? तो पतित बनेगी या पावन बनेगी? हैं? पतित आत्मा बनती है तो बुद्धि में ज्ञान ठहरता है या उड़ जाता है? हैं? उड़ जाता है। और बाबा यार में चाणक्य कौन है? जो चंद्रगुप्त का गुरु है सो चाणक्य है।
चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला कौन है? हैं? चंद्रगुप्त, जो गुप्त चंद्रमा है, दिखाई नहीं पड़ता है? शंकर के मस्तिष्क पर, चंद्रमा अर्थात ज्ञान चंद्रमा की आत्मा दिखाई पड़ती है या गुप्त रूप में प्रवेश करती है? गुप्त रूप में प्रवेश करती है, तो चंद्रगुप्त है। उस चंद्रगुप्त को प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला कौन है? कौन जन्म देगा जो सतयुग में प्रिंस बनेगा? है? उसको राजा कौन बनाता है? प्रजापिता राजा बनाता है। तो जो यहाँ राजा बनाता है वो द्वापर युग में भी राजा बनाता है। और ज्ञान मार्ग में अंग तो कौन? अंग, ये अंग हैं, हाथ, पांव, नाक, कान, ये क्या हैं? अंग हैं, ये शरीर के अंग हैं, ये देहभान दिखाने वाले अंग हैं। इन अंगों को जिसने दे दिया, शिव बाबा, ये कान हमारे कान नहीं है, ये हमने आपको दे दिया, आप जैसे चलाएं वैसे ये कान चलेंगे। आप कहें कि ईश्वरीय ज्ञान ही सुनो, तो क्या करेंगे? ईश्वरीय ज्ञान ही सुनेंगे। बाबा कहते हैं ना, अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो कोई कान अर्पण करना चाहे तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे अर्पण करे? कि एक से ही सुने, एक के अलावा कोई की बात कान पर न धरे। अगर कोई सुनाता भी है तो दूसरे कान से निकाल दे, अथवा सुनी अनसुनी कर दे। तो कान अर्पण कर दिया। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक अंग शिव बाबा को अर्पण कर दे। उन अंगों से जो भी कार्य करे तो सोचे कि इस अंग से जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, वो कार्य को शिव बाबा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? अगर शिव बाबा स्वीकार करेगा तो वो काम करना है, अगर स्वीकार नहीं करता है तो वो काम नहीं करना है। इससे साबित होता है कि वो अंग अर्पण कर दिया। बाकी मुसलमानों की तरह नहीं है कि वो सुन्नी, जो मुसलमान होते हैं ना, वो अपने काम इंद्रिय को ही काट देते हैं, अल्लाह मियां का नाम लेते जाते हैं, काट देते हैं। वो स्थूल इंद्रिय काटने की बात नहीं है, उससे काम लेने की बात है। और हाँ, उनकी विशेषता क्या थी? मार्कंडेय ने क्या किया? अरे पूरी जीवन कहानी तो बताओ, है? ऐसे थोड़े ही शास्त्रों में, टीवी में नाम देख लिया और बस पूछना शुरू कर दिया। पूरे तमो प्रधान से पूरे सदो प्रधान बनने के लिए बाबा ने बोला 40 वर्ष लगते हैं। 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 76 से 2016 टू 2026 आते हैं ना, हाँ। तो उस समय में प्रजापिता और अष्टदेव का संबंध स्टेज बनेगा ना? उस समय बनेगी, 40 वर्ष में नहीं बननी चाहिए। 50 वर्ष तो उनके लिए कह दिए जो राजा बनने वाले टोटल हैं। पहले राजा तैयार होंगे या प्रजा तैयार होगी? हैं? पहले राजाएं तैयार होंगे, तो राजाओं की तैयारी के लिए ये टाइम फिक्स कर दिया
कि 40 से 50 वर्ष में वो राजाएं कंप्लीट बन जाते हैं, जिनकी माला बनती है, सब धर्मों में वो माला सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। तो वो राजाएं तैयार हुए, मन प्रजा तो तैयार हो ही जाएगी, उसके बाद फिर प्रजा तैयार होगी। और सूक्ष्म वदन 40 वर्ष के लिए रहते हैं करके मुरली में बोला है, ये सूक्ष्म वदन 40 वर्ष के अंदर कोई सूक्ष्म स्टेज प्राप्त होगा क्या, ऐसा मतलब से बोला है क्या? एक तो भक्ति मार्ग का सूक्ष्म वदन है, बंद आंखों के साक्षात्कार करते हैं, वो भक्ति मार्ग का सूक्ष्म वतन है या ज्ञान मार्ग का है? भक्ति मार्ग का। और एक होता है ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म वतन, माने सूक्ष्म स्टेज, मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज में रहना, मनन चिंतन मंथन में रहना, माना ज्ञान मार्ग की सूक्ष्म स्टेज, सूक्ष्म वतन। तो वो सूक्ष्म वतन है सन 36 से लेकर 1976 तक, और जो ज्ञान मार्ग का सूक्ष्म वतन है वो 76 से लेकर के 2016-17-18 तक। और संगत को चित्र में संगत को अल्प वस्त्रधारी दिखाते हैं क्या? मुरली में पूछा है बाबा ने, शंकर को और विष्णु को भी देहवान आता है क्या? शंकर को और विष्णु को भी देहवान आता है, देह की इंद्रियों से काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हैं? करते होंगे, पुरुषार्थी जीवन में जरूर काम किया है, देह को ही वस्त्र कहा जाता है, लेकिन काम जो किया है वो तीन देवताओं में सबसे जास्ती देह का वस्त्र किसने धारण किया है? ब्रह्मन। और सबसे कम शंकर ने धारण किया, और सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वस्त्र तो धारण किए लेकिन देवता ही वस्त्र धारण किए हैं या आसुरी वस्त्र धारण किए हैं? सबसे जास्ती देवताई अलंकार धारण किए हैं विष्णु ने, इसलिए कहा कि शंकर और विष्णु को भी देहवान आता है। और शंकर का कोई प्रत्यक्ष पात्र दिखाई नहीं देता है? हाँ, अगर प्रत्यक्ष दिखाई दे तो तुम बच्चे ऐसे क्यों बोला, तुम बच्चे भी समझ ना सको। मुरली में बोला शंकर तो शंकर का कितना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी कहते हो, हम भगवान से ज्ञान लेते हैं, लेकिन भगवान से ज्ञान लेने वाले बच्चे भी शंकर के पार्ट को पूरा समझ नहीं सकते हैं। समझ नहीं सकते हैं तो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। एक को होता है या सबको होता है? है ये निश्चय अनिश्चय का चक्र सभी बच्चों को चलता है या सिर्फ ब्रह्मा को चलता है? सभी बच्चों को चाहिए, तो वंडरफुल पार्ट है ना। ऐसे साधारण मुरली में बोला है शंकर का पार्ट तो है ही नहीं। हाई का मतलब ये है, नहीं है का मतलब ये हुआ कि पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के भी पार्ट बजता है? कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है, और शंकर को ज्यादातर कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाते हुए चित्रों में दिखाया है या याद में बैठे हुए दिखाया है? तो याद पार्ट है, कर्मेंद्रियों का पार्ट है, कर्मेंद्रियों का पार्ट ही नहीं है, इसलिए बोला कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर है कोई मुर्दा है। वो निश्चय अनिश्चय की बात हुई ना, अनिश्चय पैदा ही नहीं होता तो मरने का सवाल कहाँ? प्रकाश शरीर का मुरली में कहे थे कि पांच तत्वों का नहीं है, तो ये
शंकर का पार्ट भी ऐसा आएगा, जब संकल्प से पार्ट चलता है तो उसे भी प्रकाश शरीर का पार्ट कहेंगे। रात में सो जाते हैं, दुनिया में कहां कहां घूम घाम करके आते हैं, ये स्थूल कर्मेंद्रियों का पार्ट है। स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई उठ के जाता है नहीं, ये सूक्ष्म पार्ट है, मनन चिंतन मंथन का ज्ञान युक्त पार्ट है, ज्ञान के संकल्पों का पार्ट है, ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है। और हैं पुष्पक, जैसा नाम है वैसा ही उसका अर्थ है। पुष्प माने क्या? फूल। का माने क्या? करना। जो फूल करे पैदा वो ही पुष्पक विमान। ऐसी सेवा करे, ईश्वर की ऐसी सेवा करे कि फूल ही फूल पैदा करे, कोई कांटे पैदा न करे, तो उसका नाम पड़ गया पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान जो फूल ही फूल हमेशा पैदा करेगा, वो ऊंची स्टेज में उड़ेगा या जमीन पे चलेगा? है ऊंची स्टेज होता, ये आत्मा की बात है। विमान माने आत्मा, एरोप्लेन। कैसा एरोप्लेन? जो सदैव फूल ही फूल तैयार करता है। और सोने की महल मिलती है क्या? सत्यु में सोने की महल बोलते हैं ना, वो तो साकार में ऐसे महल होंगे क्या? सोना सच्चाई को कहा जाता है। क्या? सोना माने सच्चाई। वहाँ महल किले को कहा जाता है। किला संगठन का होता है, जैसे माला संगठन की निशानी है, ऐसे ही किला भी संगठन की निशानी है। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो कोई भी भिखारी इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो किला माने संगठन। वो सब संगठन होगा, झूठे लोगों का नहीं होगा। कैसों का होगा? सोनी आत्माओं का होगा, पत्थर बुद्धियों का संगठन नहीं होगा। इसलिए उसको कहा गया है सोने के किले होंगे। बाकी तो कोई सोने का महल बनाए तो उसमें ये मिट्टी वाले में ही इतनी गर्मी पड़ रही है। अबे धर्म पिताओं के परंपरा में बिंदुसार जो है, तो दोगन का पिताजी है, ये बिंदुसार और प्रजापिता में क्या रिश्ता है? वो बिंदु का सार तो है, लेकिन कौन से धर्म के बिंदु का सार है? प्रजापिता बौद्ध धर्म का सार है। नहीं तो दोनों में कोई रिश्ता है क्या? किसमें? प्रजापिता और बिंदुसार में है, लेकिन प्रजापिता प्योर सूर्यवंशियों का सार है, और जो बिंदुसार बौद्ध धर्म की जो भी आत्माएं हैं उनका सार है। अष्टदेव में आएगा? जरूर है सार। सार कहाँ होता है? तो शुद्धोधन अष्ट रत्न में आएगा? बिल्कुल आएगा। ओम शांति।